देश में नोटों की किल्लत कब खत्म होगी, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। जिस रफ्तार से रिजर्व बैंक नोट सप्लाई कर रहा है, उस हिसाब से एबीपी न्यूज लगातार अनुमान लगा रहा है कि कब तक हालात सामान्य हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड से आ रहा है नोटों की छपाई का कागज। अब तक पानी के रास्ते विदेशों से नोट छापने के लिए कागज आते थे, लेकिन पहली बार विमानों से कागज मंगाए जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड के जुरिक से एक यूरोपियन एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट से कोलकाता एयरपोर्ट में पहुंचाया जा रहा है नोट छापने का कागज। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, पहले जहाजों में आता था ये नोट छापने की कागज जो कोलकाता पोर्ट में आता था, और फिर वहां से शालबोनी पहुंचाया जाता था। लेकिन अभी जब प्रधानमंत्री ने जिस दिन 8 नवंबर को डिमोनेटाइजेशन की घोषणा की, उससे 15 से 20 दिन पहले से ही ये विमानों में नोट छापने की कागज यहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। नोट तेज रफ्तार से छपे, इसलिए आसमान के रास्ते कागज मंगवाए जा रहे हैं। नोटों की छपाई की रफ्तार के साथ साथ मार्केट में नए नोट डालने की रफ्तार भी बढ़ी है। आरबीआई ने नए आंकड़े जारी किए हैं। 19 दिसंबर तक 5,92,613 करोड़ रुपए लोगों को दिए गए, 10 दिसंबर तक 4,61,000 करोड़ रुपए बांटे गए थे, यानी 9 दिनों में 1,31,613 रुपए बांटे गए। एक दिन का हिसाब 15,024 करोड़ रुपए हुआ है। अगर रोज इसी रफ्तार से नोट छपे तो 31 दिसंबर तक 15,024 करोड़ के हिसाब से 1,82,088 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। अब एक बार फिर हिसाब देखिए, 19 दिसंबर तक 5,92,613 करोड़ रुपए आए, 20 से 31 दिसंबर तक 1,82,088 करोड़ रुपए आने का अनुमान लगा, यानी 31 दिसंबर तक कुल 7,74,701 करोड़ रुपए आ जाएंगे। ये रकम नोटबंदी के बाद बाहर किए गए 15 लाख करोड़ रुपए के आधी के बराबर है। पहले 2000 के नोट ज्यादा छपे, अब 500 के नोट ज्यादा छप रहे हैं, यानी कम पैसे मार्केट में आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जितने नोट बाहर किए गए थे उसके बराबर नोट आने में ज्यादा वक्त लग सकता है। हालांकि आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बार ये नहीं बताया कि पुराने कितने नोट अब तक जमा हो चुके हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 15,44,000 करोड़ में से 14 लाख करोड़ रुपए अब तक वापस आ चुके हैं। आरबीआई ने पिछली बार 10 दिसंबर को 12,44,000 करोड़ रुपए वापस आने की बात बताई।